प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य मंत्री भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने इस मौके पर सबको नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज नई ऊर्जा के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का शुभारंभ है। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। सभी देशवासियों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का आज शुभारंभ है। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। पीएम ने इस दौरान कहा कि ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में काम करने तौर तरीकों का एक उत्तम उदाहरण है। इसके पीछे के बड़े विजन को भी समझना होगा। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना होगा। एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी, लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं, अगर ये बदलाव न होते कितना कठिन होता। आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है, एक अलग मार्ग अपनाया है। साथियों, हमारे यहां ऐसी कई चीजें हैं जो प्रक्रिया में बदलाव किए बिना ऐसे ही निरंतर चलती जाती है, चलता है, होए दो। हाउसिंग से जुड़ा मामला भी बिल्कुल ऐसा ही रहा है। हमने इसको बदलने की ठानी। हमारे देश को बेहतर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अभी नई तकनीकों का इस्तेमाल कुछ शहरों में हो रहा है, बाद में इसे देश भर में फैलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस योजना के तहत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इंदौर की तकनीक में मकान निर्माण में ईंट गारा नहीं होगा, इसमें फ्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम का इस्तेमाल होगा। गुजरात के राजकोट में टनल के जरिए मोनोलिथिक कॉन्क्रीट तकनीक का इस्तेमाल होगा। यह फ्रांस की तकनीक है जिससे मकान निर्माण को गति मिलेगी और घर आपदाओं को झेलने में ज्यादा सक्षम होगा। इंदौर में जो घर बन रहे हैं वो उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं होगी, बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। राजकोट में टनल के जरिए मोनोलिथिक कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। फ्रांस की इस टेक्नोलॉजी से हमें गति भी मिलेगी और घर आपदाओं को झेलने में ज्यादा सक्षम भी बनेगा। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कॉन्क्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। पीएम ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि लोगों के पास अब रेरा जैसे कानून की शक्ति भी है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा, उनका घर अब फंसेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS।